चल अब इसके ऊपर जेसीबी को स्पॉन कर लेता हूँ। तो ये क्या हुआ, जेसीबी तो हवा में उड़ गया। भाई ये तो सच में चेंज हो रहा है, पहले ब्लैक था अब ग्रीन हो गया है। 2 से 3 आरपीजी मार दिया, उसके बाद भी इस सामने वाला बकेट और पीछे वाला बकेट ब्लास्ट ही नहीं हो रहा। हे गाइस, तो क्या हाल चाल है, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस आज हम लोग टॉप 5 माइंड ब्लोइंग मिथ्स ट्राई करने वाले हैं इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले तुम लोग चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस हमारा फर्स्ट मिथ है, हमारे घर के ट्री नहीं टूटते। तो गाइस हम लोग पहले पेड़ देख लेते हैं। अच्छा ये वाला पेड़ है, ठीक है चलो इस कार से टक्कर मार के देखते पेड़ गिरता है या नहीं तो दूसरा फॉर्मूला ट्राई करेंगे। ये तो सच में नहीं टूटता है, ठीक है हम लोग दूसरा फॉर्मूला ट्राई करते हैं। वो है आरपीजी से पेड़ को उड़ा दूंगा। ये आरपीजी से भी पेड़ नहीं टूट रहा, तो ये मिथ पूरा कंफर्म है। अब नेक्स्ट मिथ है, हैमर ट्रक के बैक साइड में जेसीबी स्पॉन करो। जेसीबी का बैक हैमर कार के ऊपर रखो, जेसीबी को फॉरवर्ड बटन को होल्ड करके रखो तो देखो मैजिक। तो गाइस हम लोग पहले घर के बाहर चलते हैं। अब एक हैमर ट्रक स्पॉन कर लेता हूँ। चलो अब इसके ऊपर जेसीबी को स्पॉन कर लेता हूँ। तो ये क्या हुआ, जेसीबी तो हवा में उड़ गया और हैमर ट्रक भी उड़ गया हवा में। चलो एक और बार ट्राई करके देखते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से ट्राई करेंगे इसको। फर्स्ट हैमर ट्रक को स्पॉन कर लेता हूँ, अब थोड़ी दूर जेसीबी को स्पॉन करता हूँ। चलो अब जेसीबी को हैमर ट्रक के ऊपर ले आता हूँ। चलो ये आ गया भाई, फॉरवर्ड बटन को होल्ड किया तो बाहर आ गया। यहाँ पर वीडियो थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ मैजिक। तो ये मिथ बस्ट है। हमारा अगला मिथ है, अगर आप अपने कैरेक्टर का पैंट चेंज करोगे तो आपके कैरेक्टर का शूज भी चेंज होगा। तो गाइस देखते हैं क्या सच में हम अपने कैरेक्टर का पैंट चेंज करते हैं तो शूज भी चेंज होगा। तो हम लोग पहले घर के अंदर चलते हैं, अब चेंज करके देखते हैं क्या चेंज होगा या नहीं। भाई ये तो सच में चेंज हो रहा है, पहले ब्लैक था अब ग्रीन हो गया है। तो गाइस ये मिथ पूरा कंफर्म है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले मिथ की तरफ, मिथ जेसीबी का मिरर ट्रांसपेरेंट है। चलो देखते हैं क्या जेसीबी का मिरर ट्रांसपेरेंट है। चलो मैं पहले एक जेसीबी को स्पॉन कर लेता हूँ। ये लो जेसीबी आ गया, अब स्नाइपर गन की हेल्प से हम लोग मिरर को देखने वाले हैं। वैसे तो सब सफेद दिख रहा है क्योंकि मिरर भी सफेद है और स्काई का कलर भी सफेद है, इसलिए जेसीबी को लाल दियोर के पास ले चलते, उधर पता चल जाएगा। चलो अब देखते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा, और उसमें देखते इसमें भी कुछ नहीं दिख रहा, मतलब जेसीबी का मिरर ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ये मिथ बस्ट है। अब हमारा लास्ट मिथ है, जेसीबी को ब्लास्ट करो तो जेसीबी का सारे पार्ट्स ब्लास्ट नहीं होता। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है चलो देखते हैं। पहले तो एक जेसीबी स्पॉन कर लेता हूँ। चलो अभी इसे आरपीजी से ब्लास्ट करते हैं। भी 2 से 3 आरपीजी मार दिया, उसके बाद भी इस सामने वाला बकेट और पीछे वाला बकेट ब्लास्ट ही नहीं हो रहा। एक और बार ट्राई करके देखते हैं। भाई वही सेम चीज हो रहा है, दोनों बकेट ब्लास्ट नहीं हो रहा, मतलब ये मिथ कंफर्म है। तो गाइस यही था आज का वीडियो, इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।